श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश मंत्र बताने से पहले पहले ही बोल दे रहा हूँ कॉपी कलम लेकर बैठना मंत्र लंबा है और बहुत उपयोगी है जो उद्यमेश्वर तंत्र है रावण तंत्र है आसुरी तंत्र है गुप्त तंत्र है उसमें बहुत ऐसे मंत्र आते हैं ऐसे बीज मंत्र आते हैं जो आपने कभी सुना नहीं होगा अब जैसे हे बी रे हे बीरे हे ये एक बहुत उपयोगी उच्च तांत्रिक मंत्र है जो इसको जानता है वो प्रचंड तांत्रिकों में गिना जाता है इसका प्रयोग जो जानता है वो प्रचंड तांत्रिक होता है लेकिन क्या है विलुप्त मंत्र है गुरु ने सोचा कि शिष्य आगे बढ़ जाएंगे तो शिष्यों को नहीं दिया और मंत्र विलुप्त हो गया उसी तरीके से मैंने आप लोगों को डाकनी के बारे में बताया था कि जब नाथों का अंत करने की बारी आई तो डाकनी और नाथों में लड़ाई चलती रहती थी ऐसे ही श्री गुरु कानिफनाथ जी पे भी शाप का असर हुआ था तो डाकनी दमन मंत्र लंकापति रावण नाथ जी ने दिया हम लोगों को स्त्री तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो कलयुग में भी प्रभावी है अब आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जो भूत बाधा या डाकनी बाधा से डाकनी क्या होती है डाकनी किसी औरत को नहीं कहते डाकनी एक विद्या है डाकनी विद्या मर्द भी सीख सकते हैं डाकनी विद्या का जो काट होता है वो बड़ा मुश्किल होता है वो ना आम झाड़ फूंक से नहीं निकलता बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं वो सारे टेस्ट करा लेते हैं लेकिन उनका मेडिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है कुछ निकलता ही नहीं है तो बीमारी क्या सॉल्व होगी वैसे में कई बार ऐसा देखा गया है कि ये ऊपरी हवा का काम हो या फिर किसी तरीके का तंत्र का काम हो हाँ साइंटिफिक आप इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं लेकिन साइंस को भी बहुत सारी चीज़ें प्रूव करना बाकी है साइंस अभी अपने शुरुआती दौर में मंत्र है देखो इस मंत्र को एक कागज पर लिखना और उसको फ्रेम करा के सामने रखना रविवार के दिन सामने दीपक रखना अगरबत्ती रखना नवेद देना पुष्प देना अगरू देना चंदन देना और उसके बाद किसी भी रविवार से शुरू करके इसका एक लाख जाप करेंगे एक लाख जाप करने पे ये महाभैरव मंत्र सिद्ध हो जाता है उसके बाद जब आप किसी के पास जाते हैं या अपने घर में ही आप अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो ये मंत्र का जब आप साधना ही शुरू करोगे तो जिस भी प्रकार की बाधा होगी भूत बाधा हो या डाकनी बाधा हो जिसके चलते जो भी हो रहा हो वह ऐसे ही खत्म हो जाएगा और किसी के घर अगर आप केस देखने जा रहे हैं आप प्रोफेशनली इस काम को करते हैं तो उसके लेफ्ट हाथ के लिटिल फिंगर को अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से दबाइएगा और इस मंत्र को उसके आंख में देख के सात बार बोलिएगा ये पहला स्टेप है तो पहला वाला मंत्र लिखिए छौकाज सिनो देवता तत्व धूलिनी धो नाशा लिनी भमंत्री बंधुसना दैवतम लघु कंठकेन पुरुम भिशासनो देवतां महाभैरवमण्डलं चल ॐ चच्छ चच्छ च्छाकिनीं बंधु, नमः डाकिनीं मत, बंधु नमः ओम नमो भगवते वज्राय चंडेश्वराय इम इम फट स्वाहा इस मंत्र को लिखेंगे और इसका एक लाख जाप करेंगे एक लाख जाप करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा सिद्ध होने के बाद इसका जो सामान्य हवन सामग्री आता है उससे दस बार में दशांश हवन करेंगे एक बार में पूरा दशांश हवन नहीं करना है दस रविवार में इसका आप दशांश हवन करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा ठीक है एक बार ये मंत्र सिद्ध हो गया तो फिर आप जब किसी को देखेंगे या आपके घर का खुद का केस होगा तो पहले तो सात बार इस मंत्र को पढ़ लेना है उसके हाथ को पकड़ के उसका तीन फूक मारिएगा फिर हाथ में जल लीजिएगा और मंत्र बोलिएगा ओम स्त्रिम स्त्रिम व्लिम व्लिम इम अह फट स्वाहा ओम स्त्रिम स्त्रिम व्लिम व्लिम इम अह फट स्वाहा इस मंत्र को बोल करके आप पानी के छीटे मारिएगा आज के, है। है के तो तो आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर ट्रीबल वन एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल वी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च कीजिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं बहुत अर्जेंट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें अन्यथा मैसेज ना करें आज के लिए इतना ही महामाया आप लोगों पर कृपा बरसाती रहे तंत्र मंत्र से आप लोगों ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलाखा आदेश